जहां तुष्टीकरण के लिए दूसरे देशों के लोगों को बुलाकर चुनाव प्रचार करवाया जाता है, क्या कभी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि दुनिया के किसी देश के लोग आकर के भारत में चुनाव प्रचार करें? अपनी तिजोरी भरने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के लिए दीदी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। साथियों, ऐसा मॉडल देश के लिए तो दूर, पश्चिम बंगाल के लिए भी मंजूर नहीं है। भाइयों और बहनों, देश को ऐसा विकास का मॉडल चाहिए जहां सबको सुरक्षा और सबको सम्मान मिले। देश को ऐसा विकास का मॉडल चाहिए जिससे दुनिया में भारत का नाम हो। दुनिया भारत की जय जयकार करे। आज भारत की जय जयकार सारी दुनिया में हो रही है कि नहीं हो रही है? सारी दुनिया में हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है। देश को ऐसा विकास का मॉडल चाहिए जहां आतंकवाद की दहशत न हो, आतंकवादियों में डर पैदा हो। याद है ना, आपको कुछ साल पहले खगरागढ़ में दुर्गा अष्टमी के दिन जो धमाका हुआ था, उस धमाके की जांच को रोकने की किसने कोशिश की? क्या ऐसे लोग आतंक का मुकाबला कर पाएंगे? साथियों, आतंक से लड़ाई भी दीदी जैसे कुछ लोग अपना वोट बैंक देखकर तय करते हैं। लेकिन आपका ये चौकीदार आतंकवाद को उसी भाषा में जवाब देता है जिसे वो समझते हैं। भाइयों बहनों, आप बताइए, आज आतंकी डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं? भारत आतंकियों को घर में घुसकर मार रहा है। आप खुश हैं? आपको गर्व हो रहा है? मोदी सही कर रहा है? आतंकवादियों के साथ यही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मोदी की ताकत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? आप बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? पूरा बंगाल बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? भाइयों और बहनों, जब हमारे सपूतों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को साफ किया, तब दीदी उन लोगों में से थी जिन्होंने इसका सबूत मांगा। आपको सबूत चाहिए क्या? आपको सबूत चाहिए क्या? हमारे सपूतों ने सही काम किया, इसका आपको विश्वास है? आपको भरोसा है? सेना की बात पे भरोसा है? मोदी की बात पे भरोसा है? अरे दीदी, सबूत ही खोजने हैं तो जरा चिटफंड के घोटाले बाजों के सबूत खोजो। अरे सपूतों के शौर्य के सबूत, सपूत खुद होता है। अरे दीदी, सबूत ही खोजने हैं तो घुसपैठियों के सबूत खोजो। देशभक्तों की वीरता के सबूत खोजना बंद करो। साथियों, वाकई दीदी के राज में
यहां एक काम बहुत तेजी से होता है, घुसपैठ